नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। एंड दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S का डिवाइस है तो दोस्तों फाइनली आपके लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों ऑफिशियली तरीके से देख सकते हैं MIUI 11.0.2.0 अपडेट के साथ ऑफिशियली स्टेबल अपडेट एंड्रॉइड 10 अपडेट के साथ Redmi Note 7 डिवाइस के लिए पर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले इस अपडेट के बारे में कौन कौन से चेंज लग फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद देखने को मिल चुके हैं। सो गाइस, अगर आपके पास Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S का डिवाइस है तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहे, ताकि आपके समझ में आए कि कौन कौन से चेंज लग फीचर्स इसी एंड्रॉइड 10 अपडेट के बाद देखने को मिलने वाले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट होगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए एंड साथ ही में बेल आइकन को भी इनेबल करके रख लीजिए, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सबसे पहले देख सकेंगे। सो गाइस, फाइनली देख सकते हैं Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S डिवाइस के लिए स्टेबल में एंड्रॉइड 10 अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका बिल्ड वर्जन देख सकते हैं 11.0.2.0 का बिल्ड वर्जन है। दोस्तों फिलहाल के लिए देख सकते हैं जो अपडेट यहाँ पर चाइना स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। अगर आपने डिवाइस के अंदर कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करके रखे तो आप इजीली इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप एक नॉर्मल यूजर्स है तो नॉर्मल यूजर्स के लिए बहुत ही जल्दी इंडिया में जो एंड्रॉइड 10 का अपडेट है स्टेबल में रोलिंग आउट होना स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि चाइना में स्टेबल अपडेट रोलिंग आउट होने के बाद 10 दिन या फिर 15 दिन के बाद इंडिया में अपडेट यहाँ पर स्टेबल में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो जाता है। सुबह जुलाई के स्टार्टिंग में ही आपको Redmi Note 7 या फिर Redmi Note 7S डिवाइस के अंदर Android 10 का अपडेट स्टेबल में इंडिया में रोलिंग आउट होना स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे कि Android 10 को इंस्टॉल करने के बाद Redmi Note 7 डिवाइस के अंदर कौन कौन से चेंज लोग देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि बिल्ड वर्जन कौन सा भी हो सकता है, मतलब कि MIUI का जो वर्जन है कौन सा भी हो सकता है, 11.0.2.0 का वर्जन आपको चाइनीज टेबल में देखने को मिल चुका है एंड इंडिया में आपको कुछ अलग ही बिल्ड वर्जन देखने को मिल सकता है। जैसे दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हैं, MIUI का वर्जन है 11.0.2.0 QFGCNXM, मतलब कि चाइनीज रॉम है। एंड उसके नीचे देख सकते हैं आपको एंड्रॉइड वर्जन 10 का मिल जाता है, मतलब कि सीधा आपको एंड्रॉइड 9 से एंड्रॉइड 10 का मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों नीचे की तरफ से देख सकते हैं एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अलर्ट आपको जून महीने का, मतलब कि 1/6/2020 का मिल जाता है। सो गाइस, इस प्रकार से आपको माय डिवाइस के अंदर चेंजेस देखने को मिल जाता है, तो इंडिया में देख सकते हैं कुछ अलग ही वर्जन देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों डिवाइस के अंदर आपको कुछ नए एनिमेशन भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था कि एप्लीकेशन के जो क्लोजिंग या फिर ओपनिंग एनिमेशन है वो भी चेंज देखने को मिल जाता है। ऐप वर्ल्ड के अंदर कुछ मेजर भी चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। अगर आपने ऐप वर्ल्ड को अपडेट नहीं किया तो ऐप वर्ल्ड को एक बार अपडेट जरूर कर लीजिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको फ्रेश न्यू ऐप ड्रॉअर का फीचर मिल जाता है। अगर अपने फोन के अंदर अभी तक ऐप ड्रॉअर का फीचर देखने को नहीं मिला था तो इस अपडेट के बाद आपको बाय डिफॉल्ट ऐप ड्रॉअर का फीचर इसमें इनेबल हो जाता है, जो कि लेटेस्ट न्यू वर्जन वाला आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। आप सीधे जा सकते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद जो होम स्क्रीन का सेटिंग है, तो होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने के बाद आपको लेटेस्ट न्यू ऐप ड्रॉअर का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। अगर आपने सिस्टम लॉन्चर का अभी तक अपडेट नहीं किया तो सिस्टम लॉन्चर को भी अपडेट करके रख लीजिए, ताकि आपके फोन के अंदर लेटेस्ट वाला ऐप ड्रॉअर का फीचर इनेबल हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों नीचे की तरफ से देख सकते आइकॉन साइज, वो भी फीचर इसमें इनेबल हो चुका है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे डार्क मोड, डार्क मोड में जाने के बाद आपको बेटर डार्क मोड का फीचर मिल जाता है, जो कि एंड्रॉइड 10 बेस बेटर डार्क मोड का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। अभी तक इसमें आपको ग्लोबल डार्क मोड का फीचर इनेबल नहीं हो चुका है, शायद आपको MIUI 12 के बाद ग्लोबल डार्क मोड का फीचर इसमें इनेबल हो जाएगा। साथ ही दोस्तों बात करेंगे फुल स्क्रीन डिस्प्ले के बारे में, तो आपको पता होगा कि एंड्रॉइड 10 को इंस्टॉल करने के बाद फुल स्क्रीन डिस्प्ले के अंदर आपको जो नेविगेशन बार मिल जाता है, मतलब कि स्वाइप अप नेविगेशन बार फाइनली इनेबल हो जाता है। अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे नीचे की तरफ से आपको एक स्मॉल लाइन देखने को मिल जाती है बॉटम में, तो इस प्रकार से देख सकते हैं बॉटम से स्वाइप अप करने के बाद लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड में स्वाइप अप करने के बाद जितने सारे एप्लीकेशन रिसेंटली एप्लीकेशन आपने ओपन किए थे, मतलब कि जितने सारे टैब ओपन किए थे, इस प्रकार से रिसेंट एप्लीकेशन या फिर रिसेंट टैब्स आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वाइप अप करने के बाद ओपन कर सकते हैं। दोस्तों एनिमेशन भी देख सकते हैं जो एंड्रॉइड 10 का स्वाइप अप एनिमेशन नेविगेशन का काफी आपको बेटर एनिमेशन स्वाइप अप गेचर देखने को मिल जाता है। साथ ही में दोस्तों बात करेंगे Android 10 को इंस्टॉल करने के बाद Redmi Note 7S या फिर Redmi Note 7 डिवाइस के अंदर अल्टीमेट पावर सेविंग, मतलब कि अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर्स फाइनली बैटरी एंड परफॉर्मेंस के अंदर इनेबल हो जाता है। अगर आपके ऊपर अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को इनेबल करना है तो बैटरी एंड परफॉर्मेंस में जाने के बाद सीधा आप अल्ट्रा पावर सेविंग मोड को इनेबल करके देखेंगे तो इस प्रकार से आपको अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर इसमें इनेबल हो जाता है। साथ ही दोस्तों होम स्क्रीन यहाँ पर देख सकते हैं बैक आ सकते हैं, मतलब कि स्विच हो सकते हैं नॉर्मल मोड में, तो इस प्रकार से देख सकते हैं अल्ट्रा पावर सेविंग मोड इसमें इनेबल हो चुका है। इसके
इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर इनेबल करना है, मतलब कि मी सिक्योरिटी का यूआई चेंज करना है, मतलब कि फीचर को इनेबल करना है, तो मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना कर रखा है। अगर आपको इनेबल करना है तो सिंपल आपको जो मी सिक्योरिटी का एप्लीकेशन है लेटेस्ट वर्जन के साथ अपडेट करना होगा। साथ ही दोस्तों इसके जो एपीके फाइल की लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों बात करेंगे स्पेशल फीचर में जाने के बाद आपको वीडियो टूल बॉक्स का फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपको स्पेशल फीचर्स में जाने के बाद वीडियो टूल बॉक्स को इनेबल करना है। इसके बाद यूट्यूब, उसके बाद वीडियो प्लेयर या फिर एमएक्स प्लेयर, जो भी आपका वीडियो प्लेयर है उसको ओपन करने के बाद राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं। आपको स्वाइप अप करने के बाद वीडियो टूल बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। एंड दोस्तों वीडियो टूल बॉक्स के जरिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसके बाद स्क्रीन कास्टिंग है एंड फ्लोटिंग विंडो जैसे फीचर्स को इनेबल कर सकते हैं। सारे वीडियोस, मतलब कि टिप्स एंड ट्रिक्स का जो वीडियोस है मैंने अपने चैनल पर बना के रखा है, अगर आपको देखना है तो वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों एप्लीकेशन के जो एनिमेशन है वो भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि ओपन एनिमेशन या फिर क्लोजिंग एनिमेशन, किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करेंगे या फिर उसको क्लोज करेंगे तो उसका एनिमेशन चेंज हो चुका है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे गैलरी के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिल चुका है। सो गाइस गैलरी को ओपन करने के बाद आपके पास तीन जूमिंग के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि नॉर्मल जूम, उसके बाद मंथ व्यू, उसके बाद ईयर व्यू। आपको इस प्रकार से तीन जूम इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों एल्बम की कैटेगरी में चेंजेस देखने को मिल चुका है। मेमोरी का कैटेगरी में चेंजेस हो चुका है। एंड साथ ही दोस्तों बात करेंगे वीडियो एडिटर, उसके बाद फोटो एडिटर, उसके अंदर आपको कुछ नए फिल्टर्स भी ऐड किए गए हैं। साथ ही दोस्तों जो स्टिकर्स है स्टिकर भी नए ऐड हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के नए स्टिकर्स है, अगर आप ज्यादातर यहाँ पर स्टिकर्स का यूज करते हैं तो यहाँ पर स्टिकर भी यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। और दोस्तों फोटो एडिटिंग या फिर वीडियो एडिटिंग में देख सकते हैं फिल्टर भी ऐड किए गए, जैसे कि मैंने कहा था कि स्काई कलर रिप्लेसमेंट के जो फिल्टर्स, इसके अंदर आपको स्टैटिक या फिर डायनेमिक दोनों के दोनों यहाँ पर फिल्टर्स ऐड हो चुके हैं। स्टैटिक स्काई कलर रिप्लेसमेंट के अंदर आपको नॉर्मल फिल्टर मिल जाते हैं, उसके अंदर दोस्तों बात करेंगे डायनेमिक में तो डायनेमिक में देख सकते आपको एनिमेटेड फिल्टर देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों बैकग्राउंड की जो स्काई कलर है आप इस प्रकार से फिल्टर यूज करके चेंज कर सकते हैं। एंड फोटोज या फिर वीडियोज में देख सकते आपको नए कुछ यहाँ पर एडिटिंग के ऑप्शन भी देखने को मिल चुके हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं गैलरी के अंदर कुछ नए यहाँ पर फिल्टर्स, उसके बाद एडिटिंग के ऑप्शन देखने को मिल चुके हैं। सो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एंड्रॉइड 10 को इंस्टॉल करने के बाद कुछ आपको इसी प्रकार के चेंज लॉक फीचर देखने को मिल जाते हैं रेडमी नोट 7 या फिर रेडमी नोट 7S डिवाइस के अंदर। एंड दोस्तों हो सकता है कि MIUI 12 अपडेट के बाद रेडमी नोट 7 सीरीज के अंदर काफी सारे कोई फीचर इसमें देखने को मिल सकते हैं। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।